नमस्कार, बिहार के बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस अपने ही खिलाफ गोल पर गोल क्यों दाग रही है। जी हां, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं गुलाम अहमद मीर, उन्होंने कल कह दिया कि सरकार बनेगी तो सबको सिलेंडर दिया जाएगा, हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए सबको सिलेंडर दिया जाएगा और 450 रुपए में ही सिलेंडर दिया जाएगा। और उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान ने आज जोरदार सवाल किया, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से सवाल किया है कि क्या गुलाम अहमद मीर की बातों से वो सहमत हैं? अगर सहमत नहीं है तो फिर खंडन क्यों नहीं करते? मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस बात का जवाब क्यों नहीं देते? दरअसल आपको बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उन लोगों में वो लोग शामिल हैं जो बांग्लादेश से अवैध तरीके से नागरिकों को झारखंड और बंगाल में लाने का काम किया करते थे। उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ईडी जबरदस्त तरीके से तत्पर है और 17 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उसके बाद गुलाम अहमद मीर के इस बयान से राजनीति गर्मा गई है। शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी, वो लगातार झारखंड पहुंचकर कांग्रेस को घेरने में लगे हुए हैं। हेमंत सोरेन की सरकार को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से घुसपैठिए को संरक्षण दिया जा रहा है और उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसी और को नहीं बल्कि आदिवासियों को ही हो रहा है। ऐसे में गंभीर सवाल यह उठता है कि संथाल परगना में चुनाव दूसरे चरण में होना है और दूसरे चरण में संथाल परगना में जहां चुनाव होना है वहां आदिवासियों की संख्या बहुत अच्छी है, यहां डेमोग्राफी जबरदस्त तरीके से चेंज हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी जिस मुद्दे की तलाश में थी, कांग्रेसी प्रभारी ने क्या उस मुद्दे को अप्रूव कर दिया है, सही मान लिया है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि 450 में घुसपैठिए को भी सिलेंडर देंगे। हम इस मसले की पूरी पड़ताल करेंगे और क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है, क्या बीजेपी जीत रही है। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री आज जमुई से बिरसा मुंडा के अवसर पर, जो बिरसा मुंडा की जयंती थी उसके अवसर पर कई हजार करोड़ की सौगात दी है। दरअसल बिरसा मुंडा की पूजा आदिवासी समाज करता है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री और दिल्ली से अमित शाह बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को मना रहे हैं उससे एक बात तो बहुत साफ नजर आ रहा है कि बिरसा मुंडा का नाम लेकर के बीजेपी जबरदस्त तरीके से आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, दूसरे चरण का चुनाव किस ओर जाएगा, पहले चरण के चुनाव में क्या कुछ हुआ है, इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं बाइट, क्या कुछ कहा जा रहा है, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। और जो हमने आगे का एजेंडा दिया है 5 साल का, हमने 7 गारंटीज दी है, वो गारंटीज पर एतमाद है लोगों का। बीजेपी एक तरफ जुमले बोल करके चुनाव में निकल जाते हैं मगर कांग्रेस या हमारा गठबंधन जो कहता है उस पर डिलीवर करता है। हमने 1000 मैया सम्मान योजना को 2500 दिसंबर के महीने से देने का मतलब गारंटी दिया। ये देखिए, और जब उसकी सफाई दे रहे हैं तो कह रहे हैं हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं तो क्या घुसपैठिए को ये सिलेंडर देकर के ही मानेंगे क्या, 450 रुपए की सिलेंडर देकर के मानेंगे? अब इससे दो सवाल उठ खड़ा होता है। एक सवाल ये कि कांग्रेस इन के इन प्रकार इन किसी से भी वोट लेना चाहती है, वो चाहे घुसपैठिया ही क्यों ना हो, और इसलिए कांग्रेस का पूरा ध्यान चुनाव जीतने पर है। दूसरा सवाल ये कि कांग्रेस क्या इस हकीकत को मान रही है कि झारखंड में घुसपैठियों का अंबार लगा हुआ है,
क्योंकि यह सवाल इसलिए भी उठ खड़ा हो रहा है कि 44% आबादी 28% पर आकर के सिमट गई है, तो क्या यह कितना बड़ा मुद्दा है और दूसरे चरण में इसका कितना प्रभाव होगा? कांग्रेस नेता द्वारा इस बात के एक्सेप्टेंस के बाद कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस चुनाव से पहले चरण के चुनाव से एक दिन पहले अपना मैनिफेस्टो जारी करती है और जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ माना जाता है, कहा जाता है कि इस पीरियड में आप मैनिफेस्टो जारी कर नहीं सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के अपने दलील हैं। ऐसे में दूसरी बड़ी गलती ये कि हम घुसपैठिए को भी सिलेंडर देंगे, झारखंड में क्या मैसेज देगा? और झारखंड में जब आपको पता है कि 38 सीटों पर चुनाव अभी बाकी है, 43 सीट पर पहले चरण में चुनाव हुआ, 38 सीटों पर चुनाव बाकी है, ऐसे में सवाल उठता है कि ये 38 सीटें जो बीजेपी के लिए मुफीद सीटें मानी जाती है, उस दरमियान इस तरह का बयान देकर के क्या कांग्रेस खुद गोल कर रही है? ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ हम बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस कर क्या रही है। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, श्याम कुमार चौबे जी वरिष्ठ पत्रकार, यशोना झा जी वरिष्ठ पत्रकार और मृत्युंजय शर्मा चुनावी विश्लेषक, चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले श्याम कुमार चौबे जी के पास जाना चाहूँगा। श्याम कुमार चौबे जी, यह कांग्रेस को हो क्या गया है? चुनाव से एक दिन पहले मैनिफेस्टो जारी करना, ये अपने आप में बताता है कि कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी किस हद तक की है, और दूसरी तरफ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये एक्सेप्ट करना कि हम घुसपैठियों को भी 450 रुपये में सिलेंडर दे देंगे, क्या कांग्रेस अपने आप गोल करने में लगी हुई है क्या? देखिए, पहली तो मेरा नाम श्याम किशोर चौबे है, दूसरी बात कि कांग्रेस, मैं पीसीआर से बोलूंगा, इनका नाम आप ठीक करिए, श्याम किशोर चौबे हैं, ये श्याम कुमार चौबे नहीं है जी। पहली, दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया लेट आवर्स में, कांग्रेस लेट आवर्स में डिसीजन लेने के लिए मशहूर है शुरू से, आज से नहीं, और वो आचार संहिता के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है ये तो डिसाइड करेगा चुनाव आयोग। रही बात जो कल गुलाम अहमद मीर ने कहा, वो अब क्या सोचकर उन्होंने कहा, निश्चित तौर पे अभी बहुत ही सेंसिटिव टाइम है, ऐसे में उनको कहना नहीं चाहिए। फिर जैसा कि आपने कहा कि भाजपा आदिवासियों के लिए कई करोड़ की, मतलब कई हजार करोड़ की घोषणाएं कर रही है, प्रधानमंत्री आज ही जमुई से करने वाले हैं, तो जिस बिरसा मुंडा गौरव आदिवासी बिरसा मुंडा के जयंती को, जन्म दिवस को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया जा रहा है, ये काफी वर्षों पहले किया गया था, मेरे ख्याल से आज से 3.5 बरस पहले किया गया था, और उस समय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर संजोग से झारखंड के ही थे अर्जुन मुंडा, और अर्जुन मुंडा बहुत सीजन लीडर हैं, 3 बार यहाँ चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी ये मामला उठा था, और लोकसभा चुनाव के पहले, मतलब पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री खुद गए थे वहां, बिरसा मुंडा के गाँव उलिहातू गए थे और कई घोषणाएं की थी, लेकिन उसका असर ये पड़ा था कि लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी सुरक्षित 5 आदिवासी सीटें भाजपा हार गई थी, खुद अर्जुन मुंडा भी हार गए थे, और खूंटी संसदीय क्षेत्र से वे खड़े थे उसके अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 5 में उनको हार मिली थी। तो पहली बात यह है कि झारखंड ठीक है, बहुत छोटा स्टेट है, नया स्टेट है अपेक्षाकृत, यहाँ के पॉलिटिशियंस बहुत सीजन नहीं है, इसके बावजूद यहाँ की जनता बहुत सीजंड है, वो ऐसे देखेंगे, ऐसा शायद कम राज्यों में होता होगा कि हर चुनाव में ऑन एन एवरेज 50% या उससे ज्यादा सीटिंग विधायक हार जाते हैं, मतलब जनता कुछ बोलती नहीं है लेकिन चुनाव में अपना फैसला बड़ा सोच समझ कर देती है। अब शुरू के चुनाव में जनता ने यहाँ
क्लियर कट मैंडेट नहीं दिया था तो हल्ला होता था कि जनता खिचड़ी सरकार जनादेश दे रही है, त्रिशंकु विधानसभा बन रही है। 2014 में इसने एनडीए को मैंडेट दिया, 2019 में महागठबंधन जो आज इंडिया ब्लॉक है उसको दिया, लेकिन न तो 2014 वाली सरकार ही बहुत लोकप्रिय हुई, ये भी नहीं हुए, बहुत नहीं हुए। 2014 की सरकार तो इतनी अलोकप्रिय हो गई कि चुनाव में वो हार गई, जबकि लोकसभा चुनाव में उसको 62-65 सीटें आई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो 25 पे सिमट गई। हाँ, रही बात जो गुलाम अहमद मीर ने कहा कि हम 450 में सिलेंडर देंगे हर किसी को, यहाँ तक कि घुसपैठियों को भी देंगे, ये उन्होंने क्यों कहा ये वही समझ सकते हैं। और कई बार होता है जैसे ये कहा जाता है, मतलब मैं कहूं जिस पे बहुत सारे लोग भरोसा नहीं करते हैं। एक बार एक ज्योतिषी से मेरी बात हो रही थी और मैंने पूछा उनसे कि ये जो आप बोलते हैं कि ग्रह खराब हैं तो ग्रह कैसे खराब हो जाते हैं और क्या दंड देते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये ग्रह खराब होते हैं तो किसी को डंडा लेकर तो मारते नहीं, दिमाग गड़बड़ा देते हैं, बुद्धि खराब कर देते हैं और वो चलिए उसको तो फल नहीं मिलता है। आप चौबे जी कह रहे हैं कांग्रेस का ग्रह खराब हो गया, मैं चाहूंगा ये तो नहीं, गुलाम अहमद मीर का खराब हुआ है, इसलिए कि मैं सुन रहा था कभी आज ही खरगे ने आज कहा है कि ये उनका निजी वक्तव्य है और जो कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज स्लिप ऑफ टंग होने पर या जानबूझ के कहने पे पार्टी चीफ जैसे इनकार कर जाते हैं वैसे वो कर गए हैं। नहीं पर ये बात तो आग के तरफ फैल गई है ना, कल से अगर झारखंड की कोई प्रमुख खबर है तो यही खबर है। आज सुबह थोड़ा इसको भुनाने का अवसर मिला है कांग्रेसियों को या महागठबंधन ब्लॉक के लोगों को कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोक लिया गया है, लेकिन कल से प्रमुख खबर यही है। मैं चाहूंगा कि यशोनाथ झा जी इस पर कुछ बोले कि ये किस तरह की गलती है, ये तो ऐसे गलती है कि आप फुटबॉल खेल रहे हो और बॉल को रोक रहे हो कि गोल ना हो जाए और आपके पैर से ही बॉल लग के अपने ही गोल पोस्ट में दग जाए और आप कहें कि अरे ये तो गोल हो गया, तो गोल तो आपने खुद किया ना, आप चाहे इंटेंशनली किया अनइंटेंशनली किया, लेकिन जिस मुद्दे को बीजेपी तूल देना चाह रही थी उस मुद्दे को आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। या तो राजनीति की समझ कम है या राजनीति की समझ इतनी ज्यादा है कि आप चाहते हैं किसी तरीके से हमें वोट मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, घुसपैठिया दे दे, कोई भी दे दे, हम जीत जाए। पंकज जी, मैंने चौबे जी हम लोग के बहुत करीबी मित्र हैं, एक ही शहर में हम लोगों ने पत्रकारिता की है। पहला जो सवाल आपका है उसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट में चेंज करना चाहूँगा। झारखंड में घुसपैठिया का जो मुद्दा है ये हकीकत से बहुत दूर है, ये बाहर के लोगों को या हिमंता बिस्व शर्मा को या शिवराज सिंह चौहान को या गुलाम अहमद मीर को या मल्लिकार्जुन खड़गे को या राहुल गांधी को ये मुद्दा लगता होगा। एक आम झारखंडी घुसपैठिए के मुद्दे पर वोट नहीं देता है और ना इस बार देगा, ये पहली बात मैं समझता हूं कि सारे लोग इस पर क्लियर हो जाएं। क्यों आप कहेंगे कि इतना हल्ला हो रहा है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में लोकसभा में बयान दिया, गृह मंत्रालय ने, कि झारखंड में कोई घुसपैठिया नहीं है, मेरे पास कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, नंबर एक। हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने बाजाप्ता एफिडेविट देके कहा कि झारखंड में कोई घुसपैठिया नहीं है। अब अगर आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है घुसपैठिया की पहचान करने का, आपके पास एनआरसी है नहीं, आप हमारे पास झारखंडी और इंडियन और घुसपैठिया की पहचान करने की कोई सिस्टम नहीं है, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन घुसपैठिया और कौन नहीं है? दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि गुलाम अहमद मीर ने जो कहा
क्या शिवराज सिंह चौहान या भाजपा के लोग या बाबूलाल मरांडी या हेमंत सोरेन या कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, क्या वो ये कहने की स्थिति में है कि हमको फलाने का वोट नहीं चाहिए? मैं एक बहुत बहुत लार्जर कंटेक्स्ट में ये बात कर रहा हूं। रही बात चुनाव में घुसपैठिए की, ये गुलाम अहमद मीर ने निश्चित रूप से सेल्फ गोल किया है। बोलते बोलते उनको ये बोलने से कोई रोक नहीं पाया, वो खुद को नहीं रोक पाए कि हम घुसपैठियों को भी देंगे। घुसपैठिया की पहचान ही नहीं हो पाई है तो घुसपैठिया सारे लोग, यहाँ प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिला हुआ है, आप सिलेंडर कह रहे हैं गैस सिलेंडर, कैसे नहीं देंगे आप? क्या शिवराज सिंह चौहान गोगो दीदी योजना में घुसपैठिए की परिवार की महिला को नहीं देंगे 2500 रुपए? वो बोलते नहीं है। मेरा यही कहना है कि ये बातें जो हैं ये सिर्फ चुनावी हैं, इस पे कोई राजनीतिक कोई असर तत्काल अगर पड़ भी जाए तो संथाल परगना में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं पड़ने वाला। चलिए, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, मैं चाहूंगा मृत्युंजय शर्मा इस पर जवाब दें, क्या वाकई इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है? तो जमीनी हकीकत से बीजेपी इतनी दूर है कि इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। अगर झारखंड चुनाव को लेकर के कोई भी न्यूज पढ़ता है तो उसको यही प्रतीत होता है कि झारखंड में इनफिल्ट्रेशन एक बड़ा मुद्दा है। चलिए, मैं मानता हूं कि कभी बीजेपी के पॉलिटिक्स को सूट करता होगा या उनके पास कोई आंकड़ा नहीं होगा, सरकार ने राज्य सरकार ने कोई आंकड़े मुहैया नहीं कराए होंगे और इसलिए लोकसभा में इस तरह का बयान दे दिया गया होगा। लेकिन अगर गांव में, जो हम कई बार पढ़ते हैं, अपने रिपोर्टर्स के जरिए जानने का मौका मिलता है, जमाई टोला, भाई ये जमाई टोला कौन सा है, तो गांव का वो हिस्सा जहां की लड़कियों की शादी बाहरी लोगों से हो गई और अब वो पूरा टोला बस गया है, उसको जमाई टोला कहते हैं। सीता पहाड़, पंकज भाई, पंकज भाई, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, पंकज भाई मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, आप कृपया जो जमाई टोला की बात करते हैं, संथाल परगना के किसी एक गांव का, किसी एक गांव का मैं चैलेंज करता हूं कि जो लोग जमाई टोला की बात करते हैं, किसी एक गांव में किसी एक जमाई टोले की को आइडेंटिफाई करके आज सार्वजनिक कर दें कि इस गांव में जमाई टोला है। मैं आपको अभी बताने का प्रयास करता हूं, मैं चाहूंगा मृत्युंजय शर्मा इसका जवाब दें। आप मृत्युंजय जवाब देंगे। जी जी, धन्यवाद। सबसे पहले दो स्तर पे, एक तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूंगा बहुत आदरपूर्वक हमारे पूर्व के वक्ता से, कि गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, गवर्नमेंट ने ये कहा कि आइडेंटिफाइड नंबर्स हमारे पास नहीं, तो दोनों में एक डिफरेंस होता है। अब ये आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी होती है स्टेट की, कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती है। तो जब सबसे पहली बार हाईकोर्ट में मांगा गया ये जवाब स्टेट गवर्नमेंट से कि अब बताइए आपके यहाँ क्या मैकेनिज्म्स आइडेंटिफाई करने के और आप कैसे उनको आइडेंटिफाई करके क्या एक्शन लेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे यहां कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। इस पर हाईकोर्ट क्या बोलती है? हाईकोर्ट बोलती है कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है और इसके लिए एक इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए और उसे तय करने दिया जाए कि इन्फिल्ट्रेशन है कि नहीं, और उसमें सेंटर के भी नुमाइंदे रहे। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील दायर कर देती है। अभी उसका जजमेंट आना, इनफैक्ट बाकी मेरे ख्याल से शायद एक दो दिन में उसका जजमेंट आना है। तो ये सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट, हो सकता है हमारे पास नंबर्स आइडेंटिफाइड नहीं हो, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में लेके चले तो देखिए, ऐसे संथाल परगना में 1951 में हम कह रहे थे 9% अल्पसंख्यक, 2011 के सेंसस में कह रहे हैं 23%। पूरे कंट्री वाइड आप देखेंगे तो करीब करीब इसी पीरियड के दौरान 4% की बढ़ोतरी हुई है जो अल्पसंख्यक आबादी है उसमें, तो 10% की एक्स्ट्रा इंक्रीज आबादी में कहां से आई संथाल परगना में? संथाल परगना की अभी की आबादी अगर आप 2011 सेंसस की देखेंगे तो करीब करीब 70 लाख है, और 70 लाख का 10% करीब करीब 7 लाख, 7 लाख इन्फिल्ट्रेटर्स अप्रोक्सीमेटली, मैं फिर से बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली, सिर्फ और सिर्फ संथाल परगना में है।
उनमें से कई ऐसे इन्फिल्ट्रेटर्स होंगे जो 1970 में आए होंगे, वो संथाल परगना में आए, फिर वहां से रांची चले गए या पटना चले गए या दिल्ली चले गए, उनको हम नहीं काउंट कर रहे हैं। इनफैक्ट 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी तो हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि इंडिया में करीब करीब 1.4 करोड़ इन्फिल्ट्रेटर्स, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स है, 1.4 करोड़ अगेन वो है, और संथाल परगना में उसका एक मेजर चंक है, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते किसी भी हाल में। हाँ, बाय ड्यू प्रोसेस हम आइडेंटिफाई किसको कर रहे हैं, फिर कैसे उसको डिपोर्ट कर रहे हैं या कैसे हम उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं, वो एक सेकेंड स्टेप आता है। लेकिन उस प्रॉब्लम से आंखें अगर हम मूंद लेंगे, दूसरी चीज मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो थोड़ा सजग और खास करके संथाल परगना में जो इसका भुक्त भोगी है वैसे एरियाज में, वो इससे कनेक्ट करता है। सो फॉर एग्जांपल्स, जैसे उन्होंने एग्जांपल पूछा कि कहाँ पे है जमाई टोला, इनफैक्ट आपको अगर याद होगा निशिकांत दुबे जी का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कम से कम 10 लोगों के 10 ऐसे आदिवासी महिला मुखियों के नाम उन्होंने लिखे थे और उनके पतियों के नाम लिखे थे जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। नहीं, अभी 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 मैं वही वही बताने जा रहा हूँ कि सुनीता टुड्डू गोपालडी पंचायत की मुखिया है और ये सिर्फ नाम की मुखिया है, और ये जो गोपालडी पंचायत है ये पाकुड़ जिले में आता है, और ये जो पूरा टोला है जहाँ की ये मुखिया हैं वो वहाँ के बारे में लिखा हुआ है कि ये पूरा जमाई टोला के नाम से जाना जाता है। अब देख लीजिए जो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, अब बेहतर हो आप लोग वहाँ ज़मीन पर हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं, और मुझे वही बात याद आ रहा था कि निशिकांत दुबे ने भी इस पर गंभीर चर्चा की है ट्वीट के जरिए, उन्होंने बताया है कि कितने जमाई लोग दरअसल मुखिया हैं, प्रधान हैं, और उनकी पत्नी जो कभी आदिवासी महिला के तौर पे जानी जाती थी अब वो कोई सबीना बाई हो गई हैं, सकीला बाई हो गई हैं, इस तरह के नाम उनके चेंज हो गए। मृत्युंजय जी आप बात को आगे बढ़ाइए, अगर मैं एक 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 जैसे मैं बताऊं कि सुनीता टुड्डू जी करना चाहूंगा। हाँ पंकज जी, जी बहुत नोन फैक्ट है, और ऐसे चुनाव के बीच जी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार आई तो इनफिल्ट्रेटर्स को लात मार के भगा देंगे। हो सकता आप देख लीजिए, जरा मैं ये जानना चाहूंगा कि असम में कितने इनफिल्ट्रेटर्स को उन्होंने लात मारी है। मैं बहुत रेस्पेक्टफुली ये कहना चाहूंगा कि हम लोग अभी सॉल्यूशन पे आ ही नहीं रहे, हम लोग तो सबसे पहले इस पे डिबेट कर रहे हैं कि है कि नहीं इनफिल्ट्रेशन, तो वो मानने के लिए हम तैयार हैं कि नहीं। जब तक हम प्रॉब्लम को मानेंगे ही नहीं, सॉल्यूशन तो बहुत बाद में आता है। तो एज अ स्टेट गवर्नमेंट या एज अ जनरल सिटीजन ऑफ द स्टेट और कंट्री, अगर हम ये बोलना शुरू करते कि नहीं नहीं कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ है तो कोई घुसपैठ है ही नहीं, तो इससे हम डिससर्विस कर रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन को लेकर भी। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन में ये कनेक्ट करेगा या नहीं, मुझे लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नेशनल पार्टी की और उसके पॉलिटिशियंस की होनी चाहिए कि हो सकता है आज वो मुद्दा हमें अपनी डे टू डे लाइफ में इफेक्ट नहीं कर रहा हो, आज वो हमें नहीं दिख रहा हो, लेकिन यही डेमोग्राफिक चेंज आप देखेंगे कि हमें 5 साल 10 साल 20 साल में कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा। क्या आज आप चिकन नेक को एक इंडिया का बहुत स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज नहीं मानते हैं, उसको थ्रेट नहीं मानते हैं? क्यों मानते हैं? ऐसा कैसे सिचुएशन होके आया? तो यही यहाँ पे सिचुएशन आएगा 10 साल में 20 साल में। तो इन मुद्दों को उठाना जरूरी है, और ये नंबर्स के साथ डेमोग्राफिक चेंज आया, अगर ये नंबर सेंसस में नहीं आते तो हम भी नहीं मानते। मैंने तो नंबर से कहा कि 7 लाख तो साफ साफ दिख रहे हैं एक्स्ट्रा पॉपुलेशन अल्पसंख्यकों के संथाल में, कहां से आ गए? आप बताइए ना, कोई 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 वैलिड उसका आर्गुमेंट दे दीजिए तो मैं मान लूं कि हो सकता है कि घुसपैठिए नहीं हो, वो 7 लाख कहीं और से आए होंगे, कहां कहां से आए? नहीं चलिए ठीक है, मैं वो मैं एक नाम भी बता, इस पे मैं मृत्युंजय जी से एक सवाल करता हूं कि मान लिया कि ये 7 लाख है घुसपैठिए, और 2011 के सेंसस के अनुसार 2014 से 2019 तक इसके लिए क्या किया गया? तब तो यहां बीजेपी की सरकार थी। नहीं नहीं चौबे जी, नहीं किया गया, एग्रीड, पर क्या ये समस्या नहीं है? क्या ये समस्या ये नहीं ये समस्या नहीं है क्या? ये चलिए चलिए आप वैलिड क्वेश्चन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर ये बात है कि एक बात तो चुनाव के समय ही उठी, बात तो उठेगी ना, इन्फिल्ट्रेशन मुद्दा है ना। हाँ मैं आंसर करना चाहूंगा, भागना नहीं चाहूंगा किसी भी सवाल से, मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए क्या किया गया मृत्युंजय भाई, मैं एक सवाल आपसे, मेरा सवाल यह है, आप प्रतिशत में तो गिनवा रहे हैं,
1951 में 100 लोगों में 4 लोग अल्पसंख्यक थे संथाल परगना में, 100 लोगों में 4 लोग। 2011 के सेंसस में 100 लोगों में 9 लोग हो गए अल्पसंख्यक। नहीं, थोड़ा सा डेटा में गलत है, 1951 में 9% था, अभी 23% है 2011 में, 9 से 23 हुआ। सॉरी, 9 से 23, 100 लोगों में 9 लोग थे, 9 से 23 हुए जी, ठीक है ना जी? ठीक है, आपके हिसाब से आपका जो डेटा है, बिल्कुल। 100 में आदिवासी कितने थे देखना पड़ेगा, मैं देख सकता हूँ। 1951 में मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, 44 44 जी, 44। अभी अभी हो गए हैं 63, नहीं 28 28 28 28 अभी 28% हो गए हैं। यस, 28% जी। अरे तो या तो परसेंट में बात कर लीजिए, संख्या में बात कर लीजिए, एक में बात करिएगा ना, परसेंटेज में आप देखिए, 100 में से आप बात कर रहे हैं। मैं एग्जैक्ट नंबर पे बात कर रहा हूँ, उनकी आबादी बढ़ी है, 9 से 23 हुई हम आदिवासियों की आबादी संथाल परगना में, और गैर आदिवासियों की आबादी 23 से 44 हुई। नहीं, या तो आप प्रतिशत में बात कर ले, 100 में नहीं नहीं, एक्चुअली जो डेटा हम लोग के पास है, और हर जगह जो जो बात छप के आ रही है, अगर हम परसेंटेज में बात करें, मुझे लगता है डॉक्टर संजय जवाब देंगे। दरअसल दरअसल डिबेट का मुद्दा ही यही है कि आदिवासियों की आबादी घटी क्यों है, 44% से 28% पे जो हम लोग के पास डेटा है, जो न्यूज़पेपर अखबार तमाम जगहों में छपा हुआ है, कि 44% से 28% आदिवासी हो गए हैं, और 9% मुसलमान से 23% मुसलमान हो गए हैं, तो ऐसा कैसे हो रहा है? ये यही सवाल है जो लोगों के, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये सवाल जरूर उठ रहा है कि 44 से 28 कैसे संख्या कम क्यों हो रहा है, और 9 से 23 मुसलमान कैसे हो रहे हैं। और इसी मुद्दे को बीजेपी अपने सहूलियत के हिसाब से भुनाने का प्रयास कर रही हो, लेकिन मैं वही कहूंगा कि ये मुद्दा अब सबके सामने है कि ये एक डेमोग्राफी कम हो रही है, और दूसरे की आबादी इस कदर बढ़ रही है जो कि बिना इनफिल्ट्रेशन के इस कदर इस हद तक नहीं बढ़ सकती। डॉक्टर संजय, हमें इसको तीनों को तीन तरीके से देखने की जरूरत है। इनफिल्ट्रेशन को अलग देखिए, उसके बाद जो ट्राइबल पॉपुलेशन जो घटी है 16%, वो 46 या 47, 51-52 का भी नहीं है, 46-47 में इनकी आबादी वहां पर संथाल परगना में 44% था, 16% घटा है। 11 का सेंसस है, इसके बाद तो सेंसस हुआ नहीं है। और मुस्लिम पॉपुलेशन 9% था, जो 23% हो गया है। बिल्कुल उनकी फर्टिलिटी रेट थोड़ा सा अधिक होता है, इसमें कोई कहने में बताने में कोई दिक्कत नहीं। एक उसमें डिस्क्लेमर मैं डालना चाहूंगा, जस्ट आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, वो फर्टिलिटी रेट के कारण जो बाकी देश के दूसरे हिस्सों में 4% आबादी बढ़ी है, तो 4% हम ऑलरेडी अकोमोडेट कर रहे हैं, तो हम मान रहे हैं कि 13% ऐसे भी होनी चाहिए थी, लेकिन 23 हुई। प्लीज आगे बोलिए जी। तो खैर, तो वो जो पार्ट है, वो पार्ट के अलावा भी इन्फिल्ट्रेशन भी वहां हुआ है, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। ठीक है, वो राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास उसके ऑथेंटिक डेटा नहीं है, या उनको आइडेंटिफाइड नहीं किया गया है, वो मामला अलग है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन है, इस सच्चाई को स्वीकार करना। जो विषय है आज डिबेट का, ये भी अगर विषय रखा जाएगा तो किसी दिन हम लोग इस पर भी बात कर लेंगे 50 मिनट। विषय क्या है कि गुलाम अहमद मीर जो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं शायद, और वो झारखंड के प्रभारी हैं, एक जिम्मेवार नेता के तौर पर उन्होंने दो बातें कही। अभी तो एक ही बात पर आप डिस्कशन कर रहे हैं। एक तो वो बोलते बोलते ये बोल गए कि भाई वो 450 का जो गैस का सिलेंडर होगा, इसमें इस सिलेंडर पर सबका अधिकार होगा, और वो हिंदू मुसलमान आदिवासी दलित बोलते बोलते घुसपैठिया तक आ गए कि उनके भी अधिकार होंगे। भाई संविधान के प्रति लेकर के आप घूमते हैं, अगर कोई घुसपैठिया है आपकी नजर में,
तो क्या देश के आर्थिक संसाधन पर घुसपैठियों को भी अधिकार है क्या देने के लिए? ठीक है, ऑफ दी रिकॉर्ड आप सब कुछ उनके हवाले कर दीजिए। बिल्कुल मैं सहमत हूं कि हाइपोथेटिकल बात कर लेना एक अलग बात है और जमीनी स्तर पर बात करना अलग है, लेकिन क्या किसी घुसपैठिए को इस देश के आर्थिक संसाधन का कुछ भी लाभ देने के लिए आप अधिकृत हैं क्या? अगर आप ही की सरकार बनती है, कल झारखंड में अगर वही सरकार बनती है तो इसके लिए आपको क्या संविधान इजाजत देती है, अधिकृत है? दूसरी बात उन्होंने जो कहा वो सोच को लेकर के कहा कि जो लोग जिस तरह की भी सोच रखते हो, भाई कोई सोच रखता हो एकता और अखंडता के खिलाफ, कोई सोच रखता हो देश के विरोध में, कोई सोच रखता हो देश को तोड़ने का, कोई सोच रखता हो आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय देने का, आप उसको भी उस सुविधा का लाभ दे देंगे? कोई व्यक्ति फ्लो में स्लिप ऑफ टंग में एक बात बोल सकता है, और इसीलिए कल एक पैनल में मैं था, कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे, उन्होंने डिफेंड किया और वही बात कही जो बात आज मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये उनके निजी बयान है। वो बरमू की सभा में वो बोलते बोलते बोल गए, अब वो जम्मू कश्मीर का मिजाज ही बोल गया या उनको पता ही नहीं चला कि हम झारखंड की जमीन पर बोल रहे हैं, इसके क्या नफे होंगे क्या नुकसान होंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये बात बोलने का ये बैकफायर कर गया, इसके लाभ नहीं हुए। ठीक है, इंटरप्रिटेशन हम लोग कई लॉजिक से कई तर्क से हम लोग कर लेंगे, और फिर मैं मानता हूं इस सच्चाई को कि वोट का विकास से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप विकास की बड़ी रेखा खींच लेंगे इसकी वजह से आपको वोट मिल जाएगा और आप चुनाव जीत जाएंगे, मेरी जहां तक समझ है वो वोट विकास से नहीं मिलता है, वोट जनता के कनेक्ट होने से, कौन सी बात उनको कनेक्ट कर गई और कौन सी बात से वो बिदप गए। आपने बहुत सारे विकास की योजनाओं को आकार दे दिया और कोई बात ऐसी उनको चुभ गई लग गई और फिर वो चीजें कुछ और हो जाती है। तो मेरा मानना है कि कल उनके जो दोनों बयान थे, जो बोलने के क्रम में वो बोल गए, क्या उसके लिए वो अधिकृत हैं? और फिर उन्होंने कहा कि जो भी लोग रखते होंगे, जो भी उनके विचार रहते होंगे, जो भी वो सोच रखते होंगे, हम सबको उसका लाभ, क्यों भाई? इस देश में रहने वाला जब एक बार धर्म के आधार पर ये देश ने बंटवारा को झेला, फिर कोई सोच रखने वाला व्यक्ति के साथ कैसे कोई सहयोग नहीं, करेगा? वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सवाल ये है कि आप इस तरीके से ओपनली एडमिट कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि ये नुकसानदायक साबित हो सकता है? क्या देश में यही कांग्रेस के पक्ष में बहुत सारे लोग वोट करते थे ना, आज कांग्रेस 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रही है, 99 पर ही अपने को कह रही है कि हम जीत गए। आखिरकार क्या वजह है कि एक बड़ा तबका कांग्रेस से छिटक करके बीजेपी के तरफ चली गई है? मैं यशोनाथ झा जी को जवाब देना चाहूंगा। साहिबगंज और पाकुड़ में कई ऐसे गांव हैं जिनमें सीतापुर है, गोपीनाथपुर है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि सीतापुर में एक सीता नहीं है और गोपीनाथपुर में एक गोपी नहीं है। और ये कहने वाला मैं नहीं हूं, जो मैं एक बयान आप वहां जमीन पर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं क्रॉस चेक करके। अनंत कुमार ओझा विधायक है राजमहल से, उनका बाकायदा एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि अनंत ओझा जी से अनंत ओझा जी तक मेरा ये सवाल पहुंचा दीजिएगा कि सीतापुर वो मुझे एक बार, मैं अपने खर्चे पर वहां चला जाऊंगा और सीतापुर मुझे ले चले वो। पंकज भाई मैं बता रहा हूं आपको, हकीकत जो है वो बहुत कड़वी है। आप जमीन पर आके बात कीजिए, अनंत ओझा को मैं चैलेंज करता हूं, उनको चुनौती देता हूं, वो विधायक है राजमहल के। सीतापुर और गोपीनाथपुर में की जो बात वो कर रहे हैं, हम लोग घूम के आ चुके हैं वहां से, कोई ऐसी बात नहीं है। कहीं बाबूलाल मरांडी जी ने तो यहां तक कह दिया कि वो 2 दर्जन गांवों के नाम उन्होंने गिनाए, हम लोग खोजते खोजते तंग हो गए। चौबे जी शायद हमारी बात को स्वीकार करेंगे, हम लोग घूम के आए और कहीं कोई जमाई टोला हमको मिला नहीं जमीन पे।
ये मैं आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ झाजी, कह रहा हूँ ये बात। अब जनकपुर जगह है तो वहाँ पे कितने जनक हैं? सीतापुर में कोई सीता नहीं है, उस्मानाबाद में कोई मरांडी। एक मिनट झाजी, यही बाबूलाल मरांडी 4 साल पहले कहते थे कि भाजपा में जाने से अच्छा है कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊं। तो किस कुतुब मीनार से कूदे हैं अब वो? अरे उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वो बात वो बहुत होता है, उसमें कोई बात नहीं है, वो राजनीति नहीं। अब ये तो लालू प्रसाद कहते थे मेरे शब पे झारखंड बनेगा, और उसी के साथ उसी उन्हीं के गोद में हेमंत सोरेन बैठ गए। तो ये तो पॉलिटिक्स की ऐसी सच्चाई है जिसको हम आप इतना देख चुके हैं, हम आप इतना देख चुके हैं कि अब उसको इनकार नहीं कर सकते। अब कोई सोचा था कि कल्याण सिंह मुलायम सिंह के साथ चले जाएंगे? किसी ने सोचा था ये बात? और ये भी हुआ, आप सही कह रहे हैं, किसी ने सोचा था कि अजीत पवार को ये लोग लाके वित्त मंत्री बनाएंगे? नहीं, अजीत पवार के बारे में तो सोचा था, अजीत पवार के बारे में तो सोचा था। ये बिल्कुल गले उतरती। ये जितने देखिए, ये जितने सेकुलर तथा कथित सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाले हैं, जो मेरी समझ है वो अपने कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स करते हैं, जो खास तौर पर जिनको मुल्ला मुलायम कहा गया या जिनके जिनके चरण के धूल को सिर पे लगाया जाता था, मैं कल्याण सिंह के लिए बोल रहा हूं, ये दोनों एक साथ होंगे ये लोगों ने सोचा नहीं था। मैं इसकी बात जरूर करूंगा। अजीत पवार तो कहीं जा सकते हैं। संजय भाई ने एक चीज बहुत शानदार कही है और मैं उस बात से शत प्रतिशत सहमत हूं कि वोट जो है खासकर हिंदी बेल्ट में, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में, विकास पर वोट नहीं होता है। यहां कौन सी बात किस मतदाता को कब कनेक्ट करेगी ये कोई नहीं बता सकता है, और झारखंड में भी यही हो रहा है। नहीं, झारखंड में नहीं, और सिर्फ झारखंड में नहीं हो रहा जा साहब, पूरी दुनिया में हो रहा है। कोई यूरोप मानने को तैयार था क्या कि घुसपैठिया कितना बड़ा सवाल है? यही यही लंदन, यही फ्रांस, यही जर्मनी हमें सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म का पाठ पढ़ाते थे ना। आज देख लीजिए नीदरलैंड में कौन लोग हावी हैं, आज देख लीजिए डेनमार्क में क्या बोला जा रहा है, आज इंग्लैंड में 18-18 राज्य में दंगे हो रहे हैं। ये कौन लोग बोलने वाले? क्योंकि यही लोग बताते थे सब इंसान है, सीरिया से कितने लोग गए और यूरोप में इनको जगह दे दिया गया, और उसके बाद जब जगह दे दिया गया तो यही लोग रो रहे हैं। तो दरअसल समस्या क्या है कि कई बार हम लोग समस्याओं को समझ नहीं पाते हैं, दुनिया समझ नहीं पाती है, और जब तक समझने को तैयार होती है तब तक बहुत देर हो चुका होता है, ये भी हकीकत। पर सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हो, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मुद्दे को उठाती है, मुद्दे को दबाती है, ये हकीकत है। अगर ये वाकई ऐसा हो कि भाई आपने भी इतने साल रूल किया, पहला चीफ मिनिस्टर आपका रहा, आपने इसको लेकर के कितना ज़्यादा स्टेप्स उठाए, कदम उठाए, अगर ये बात हुई होती तो शायद आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं आज वो उठा नहीं रहे होते। लेकिन ये सवाल झारखंड में भी है, ये सवाल बिहार में भी है, लगातार उठता रहा है। लेकिन जब बीजेपी जेडीयू के साथ आ जाती है, जेडीयू कहती है चुप, इस पर ज्यादा बोलोगे तो ठीक नहीं होगा। अभी गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे थे और गिरिराज सिंह अकेले पड़ गए, उनके पार्टी अध्यक्ष को कहना पड़ा कि ये उनकी निजी यात्रा है, हम कुछ कर नहीं सकते। और यही बीजेपी जब जेडीयू से अलग होगी तब सबका सुर देखिए किस तरह की बात होती है। तो यह हकीकत है। पर श्याम किशोर चौबे जी, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, मैं डिबेट को आगे बढ़ाना चाहूंगा। सवाल यह है कि घुसपैठिया चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, किसी रिलीजन का हो, अतिरिक्त भार हमारे देश राज्य पर पड़ता है तो वो तो ठीक नहीं है, कोई भी राष्ट्र इसको स्वीकार नहीं करता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जहां तक कांग्रेस को कमजोर कड़ी समझा जा रहा है, कांग्रेस अगर इस तरह के मुद्दे को तूल खुद देती है,
जैसे जमीयत उलेमा कह रही है कि भाई आप बीजेपी के विरोध में वोट करिए, ये महाराष्ट्र में भी मुद्दा तूल पकड़ रहा है और ये मुद्दा अगर तूल झारखंड में भी पकड़ेगा तो मुझे लगता है कांग्रेस को फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा, हेमंत सोरेन को फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा, क्या कहते हैं आप? देखिए, जो डॉक्टर संजय ने कहा या झाजी ने कहा कि मामला कहां पे किसको कौन सा चुभ जाता है, वो है। दूसरी बात यह है कि लूज टॉक नहीं करना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि अभी हाल में फर्स्ट फेज का जब इलेक्शन था तो जमशेदपुर में एक कैंडिडेट ने जमशेदपुर को कई बार कहा कि जमशेदपुर राज्य, तो खैर वो माफी के योग्य है। गुलाम अहमद मीर चूंकि एक विधायक हैं और राज्य के प्रभारी हैं, उन्होंने ऐसा कहा तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब वो समझते होंगे कि कह के उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, या उसका असर अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा, ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। इसमें लगे हाथ मैं थोड़ी सी बात और कहूं, थोड़ी सी मतलब ये तो हुआ कि ठीक है चर्चा में। एक सवाल मेरा इंडिया ब्लॉक से भी है और एनडीए से भी है, दोनों से है। एनडीए ने कहा है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे सबको और फिर कहा कि 2100 रुपए देंगे मैया योजना में। तो आज मैं संजोग से बजट देख रहा था जो पिछली बार पारित हुआ है, वो लगभग 1,29,000 करोड़ का है। उसमें स्टेट ओन्ड रेवेन्यू जो है लगभग 54,000 करोड़ रुपया है, मतलब आधे से भी कम है। ये लोग आएंगे, चाहे कोई ना कोई तो सरकार आएगी, भले ही वो एनडीए हो या इंडिया ब्लॉक हो, वो लोग ये खर्चा मीट कहां से करेंगे ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जरा मृत्युंजय जी स्पेशलिस्ट हैं, जरा बता दो कैसे ये लोग मीट करेंगे? स्टेट ओन्ड रेवेन्यू बहुत बढ़ तो नहीं जाएगा? नहीं, कहां से ये खर्चा लाएंगे? मुझे लगता मृत्युंजय जी जवाब देना चाह रहे हैं, देंगे जवाब। हाँ। सबसे पहले मैं आदरणीय श्याम चौबे जी ने जमशेदपुर का मुद्दा उठाया, एक हमारी प्रत्याशी हैं, भाजपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि स्लिप ऑफ टंग से जमशेदपुर राज्य, उसको आप लूज टॉक नहीं डिफाइन कर सकते। स्लिप ऑफ टंग और लूज टॉक दो दूसरी चीज है। मैंने तो कहा नहीं, शायद वो शब्द मैंने सुने। और दूसरा, उसी जमशेदपुर में कांग्रेस के एक मंत्री आते हैं बन्ना गुप्ता, उनके बयान की हम चर्चा नहीं करते हैं। उन्होंने एक सभा में चिल्ला चिल्ला कर कहा वहां पे खड़े होके, अगर कोई भी यहां पे नौशाद को आंख उठाकर देखेगा तो बन्ना गुप्ता उसके सामने आ जाएगा। उन्होंने दूसरी तरफ से और कोई नाम नहीं लिया। तो ये जो नीति है ना, ये बहुत डिफाइंड नीति है देखिए कांग्रेस की, और इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आप देखिए। ये पंकज जी कोई ऐसा नहीं है कि आज गुलाम मीर जी जो कह रहे हैं वो आज कोई अचानक से कांग्रेस कहने लगी है। आप हिस्ट्री में चले जाएंगे और यहाँ पे सारे बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, सबको इतिहास की जानकारी है। आप आजादी से उठा के, शाहबानो केस से उठा के, राम मंदिर केस से उठा के, आप आप यूसीसी पे, वक्फ बोर्ड पे, जितने भी चीजों पे आप ले लीजिए, जो सबसे लॉजिकल चीज है। इनफैक्ट देखिए, घुसपैठ एक ऐसा मुद्दा है, देश की सुरक्षा और संप्रभुता का मामला है, उसपे पार्टी के आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स एकदम इमटीरियल हो जाने चाहिए। उसपे होना चाहिए कि भाई देश की सुरक्षा का मामला है तो हम सब साथ आएंगे उसपे। उसपे अगर कोई पार्टी उनके वोट से जीतना चाहे या उनका वोट प्राप्त करना चाहे और उसके कारण ऐसे बयान दे या इनफैक्ट उनके होने की बात को ही नहीं स्वीकारे, तो वो मेरे ख्याल से बहुत खतरनाक है किसी भी देश के लिए। मैं ठीक है, मैं उस पर भी आता हूं। आपने इनफैक्ट पिछली बार एक सवाल पूछा था कि क्या किया 2014 से 19 के बीच ही। आपको ध्यान होगा कि एनआरसी की बात शुरू हुई। एनआरसी क्या है? सिंपल सा एक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि द ओनर्स ऑफ प्रूविंग अ सिटीजनशिप लाइज ऑन द इंडिविजुअल। जब उसे अगर प्रूफ करने को कहा जाए तो ओनर्स उस पर रहेगा। तो सरकार ने कहा कि सिंपल है, हम एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाएंगे, समझ में आ जाएगा कौन यहां क्या, कौन घुसपैठी है। क्या हुआ उस पर? सोचिए, उसका ड्राफ्ट तक नहीं आ पाया और जिस प्रकार से पूरा कंसर्टेड एफर्ट पूरे देश में हर जगह पे उसके विरोध में लाया गया, जैसे ये कौन सी मतलब इल्लीगल चीज लेके आ गए हैं, तो ये दिक्कत है।
आप बोलेंगे एक्शन क्यों नहीं लिया और गया, देखिए एक्शन लिया देखिए गया, मुझे लिया लगता गया है, मुझे लगता है और उसपे ये सी मुझे लगता है एक चीज, मैं चौबे जी मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन एक चीज ये भी आप देखेंगे कि जब बात उठने लगती है और जब ये चर्चा का विषय बनता है, कंसेंसस बनने लगता है, तो कुछ स्टेप्स राजनीतिक पार्टियों को उठाना भी पड़ता है। जैसे आप देखिए कि इन्हीं के पार्टी के लोगों ने उठाया, तो रघुवर दास ने पीएफआई को बैन किया ना, पीएफआई को झारखंड में जो बैन किया गया, मैं मानता हूं ये बहुत ही छोटा सा स्टेप है, लेकिन बैन करने की बात तो हुई ना कि रघुवर दास ने पीएफआई को बैन किया। मैं वही बात कह रहा हूं कि दरअसल ये मेरा ये कहना है जी, मेरा ये कहना है पंकज जी कि पीएफआई को बैन किया, बहुत अच्छा किया। उस समय क्या इन्फिल्ट्रेटर जो ये घुसपैठिए हैं वो थे या नहीं थे? बिल्कुल अगर थे तो उनके बिल्कुल उस समय थे, बिल्कुल थे। मैं आपको एक आंकड़ा बता सकता हूं कि 90 से लेकर के 2015 तक जबरदस्त पैमाने पे घुसपैठ हुआ, ये मैं आपको बता सकता हूं। 90 से 2015 तक जबरदस्त पैमाने पे घुसपैठ हुआ है। 15 से 24 के बीच में इन लोगों को जो स्टेप्स उठाना चाहिए था इस मुद्दे पर वो उठा नहीं पाए, बिल्कुल। लेकिन हमको लगता है हम लोग डिबेट से ही अलग जा रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि कांग्रेस क्या वाकई कमजोर कड़ी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जेएमएम के बारे में तो लग रहा है शानदार चुनाव लड़ रही है, नेक टू नेक फाइट है। पहले चरण के चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आदिवासी बाहुल इलाकों में जोरदार वोटिंग हुई है, हेमंत और कल्पना दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं फोटो में, और इधर बीजेपी भी मुस्कुरा रही है, दो तिहाई बहुमत का दावा कर रही है, हकीकत क्या है? और इस सब के बीच अगर कांग्रेस इस तरह की गलती करेगी तो जो 38 सीटों पर अब चुनाव होना है, जहां बीजेपी को माना जा रहा है कि ज्यादातर सीट पर बीजेपी मजबूत दिखेगी, मजबूत होगी जो कहा जा रहा है, बेहतर आप बता पाएंगे, तो क्या आपको लगता है कांग्रेस इस तरह की बात करके 38 में से 12 सीटें बीजेपी के पास हैं अभी जी, 38 में से 12 सीटें हैं, तो मजबूत हो या नहीं हो, सरकार बने न बने, मैं एक मिनट वक्त लूंगा कि झारखंड में जो चुनाव अभियान चल रहा है, और ये मान के चलिए कि जुलाई से ही चल रहा है, इस बीच बीजेपी ने जितने भी नेता हो सकते थे, मेरे ख्याल से जितनी जबरदस्त कैंपेनिंग यहाँ की गई है वैसी कहीं नहीं की गई है, और उसका जवाब वास्तव में कमजोर कड़ी तो कांग्रेस है ही, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दो ने मिलके जो दिया है वो जीते चाहे हारे पीठ ठोकने का काम उनका होना चाहिए, पीठ ठोकने का काम होना जीते चाहे हारे अलग चीज है, जिस ढंग से वो जवाब दे रहे हैं, और इधर एक पूरी फौज है, पूरी कुमुक है, इधर दो हैं, हारे चाहे जीते अलग चीज है, पॉलिटिक्स में चलता रहता है, सारी व्यवस्थाओं के बावजूद आखिर 2019 में भाजपा हार गई थी ना, तो हार और जीत तो पॉलिटिक्स में लगी रहती है, लेकिन कौन बहादुरी से लड़ रहा है और किसके अंदर ज्यादा डर है, आज ये नहीं तो वो, आज वो नहीं तो वो, आज वो नहीं तो वो, एक एक साथ 13-13-14 स्टालवार्ड उतारे जाते हैं, उस हिसाब से जीते चाहे हारे, लेकिन मेरी समझ से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन बधाई के पात्र हैं। चलिए तो भी मैं ठीक है, ठीक है, ये आपका ओपिनियन है, और जो परिणाम आएगा वो मोहर भी लगा देगा, आप जो कह रहे हैं वो बात सही होगी तो उस पे मोहर लग जाएगा, नहीं तो अगर नहीं हुआ तो ऐसा समझा जाएगा कि जो आपने रीड किया परिस्थितियां उससे कुछ उलट थी। बिल्कुल। मैं आपसे यशोनाथ झा जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ये क्लेम करती है कि हमारी पार्टी ने पहली बार जनजाति की महिला को राष्ट्रपति बनाया है, द्रौपदी मुर्मू को, उसका कोई असर झारखंड के आदिवासियों के बीच है क्या? नहीं, कोई असर नहीं है। अगर असर होता तो लोकसभा चुनाव में 5-5 रिजर्व सीट पे भाजपा हार नहीं जाती। अगर आदिवासी अगर इतने ही मोहित हो जाते उस द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने से, इनफैक्ट आदिवासियों को यह अपमानित करने वाली बात है। जो मेरी बात हुई है जब आप खूंटी में चक्रधरपुर में बंदगांव एक इलाका है खूंटी और चक्रधरपुर के बीच में, बंदगांव
बंदगांव के जंगलों में, कोल्हान के जंगल में वो आता है, चाईबासा जिला में, वहां के आदिवासियों से जब आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग इतना हल्ला किए कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, उनको अपमानजनक लगाइए, क्या हमारी कौम की कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने लायक नहीं थी क्या, आपने कोई एहसान किया है क्या? आप अगर आदिवासी राष्ट्रपति बनाए और उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं तो ये आदिवासियों के आदिवासी आपके तरफ हो गए, ये तो लोकसभा चुनाव में ही साबित हो गया है। चलिए चलिए ये बात ठीक है, लेकिन क्या कोई हेमंत सोरेन से यह सवाल नहीं पूछता है कि आप लालू प्रसाद के साथ चुनाव लड़ते हैं जिन्होंने झारखंड के निर्माण का विरोध किया था, यह भी कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा की? प्लीज सवाल पूछने पर सवाल पूछने की कैटेगरी में उस मैं ये बताऊं पंकज जी कि लालू प्रसाद ने विरोध जरूर किया था, लेकिन क्या बिना लालू प्रसाद के राज में बिहार विधानसभा और विधान परिषद से पारित हुए इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित कर दिया था क्या? हेमंत सोरेन से जितने सवाल पूछे गए हैं अगर उसका 1% 1% मैं कह रहा हूं 1% सवाल अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या हेमंता बिस्व शर्मा या शिवराज सिंह चौहान या बाबूलाल मरांडी से पूछा जाता तो सारी स्थिति क्लियर हो जाती। बस मेरी यही टिप्पणी है। मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मृत्युंजय जी, मैं आदरणीय श्याम किशोर जी ने जो कहा, जी ने तो आज तक 11 बरस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आप लोग तो बड़े पत्रकार हैं, कभी क्या अटेंड किया एक बार भी? नहीं तो आदरणीय श्याम किशोर जी ने जो कहा कि लालू जी की मर्जी के बगैर बन गया क्या, हाँ लालू जी की मर्जी के बगैर बिना, क्योंकि आप लोगों को इनफैक्ट ज्यादा जानकारी है, 2000 में उनकी सरकार अल्पमत में थी और कांग्रेस के समर्थन की उनको जरूरत थी और कांग्रेस पे बहुत प्रेशर था यहाँ के स्टेट यूनिट से झारखंड राज्य बनाना का, तो कांग्रेस ने कंडीशनल सपोर्ट दिया कि आप अगर इस मांग को मानेंगे तभी बिहार में आपकी सरकार बन पाएगी और तब झारखंड राज्य के लिए लालू जी ने, नहीं अब देखिए कॉन्टेक्स्ट के बिना ऐसे मत बोलिए कि वो मान गए, नहीं वो माने नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्या डॉक्टर संजय आपको ये लग रहा है कि जिस तरह का माहौल हमें दिखाई पड़ रहा है उसमें क्या ये माना जाए कि बीजेपी को जबरदस्त टक्कर जेएमएम दे रही है सिर्फ अपने दम पर, क्योंकि उनके जो घटक दल हैं कांग्रेस वो कमजोर दिखाई पड़ रही है और आरजेडी का एक सीट के अलावा कोई ज्यादा वजूद नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल, हेमंत सोरेन ही टक्कर दे रहे हैं, बल्कि हेमंत सोरेन से ज्यादा पॉपुलैरिटी तो इस चुनाव में कल्पना सोरेन ने हासिल की है, तो कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी ने एक मजबूत टक्कर दी है और आदिवासी वहां कनेक्टेड हैं। 20 सीट पर तो चुनाव हो गया जो ट्राइबल सीट का, अभी और जो 8 सीट पर चुनाव बाकी है, 7 सीट तो संथाल में ही है, और आपने देखा होगा कि शुरू से भारतीय जनता पार्टी ने संथाल को बिल्कुल केंद्र में रखा, संथाल के ही सवालों को पूरी मुखरता के साथ पूरे झारखंड के चुनाव के साथ जोड़ने की कोशिश उन्होंने की। तो ठीक है, बीजेपी ने चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा हो, बेटी रोटी माटी का मुद्दा हो, चाहे वो उनके विकास का सवाल हो, या आज ही जो प्रधानमंत्री जो 150वीं जयंती के अवसर पर जो जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना का जो शुभारंभ जमुई से करने जा रहे हैं, एक तरह से वो बिरसा मुंडा को ट्रिब्यूट देने की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन दूसरी तरफ अकेले हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाला है, इस सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा। और कमजोर कड़ी तो है कांग्रेस, कल तो बल्कि और आकर के ये जो मीर साहब थे वो कुछ बोल गए, और बोल गए तो बीजेपी को फिर एक मिल गया हथकंडा और कहे कि देखिए हमारी बातों पर वो मुहर लगा गए कि कैसे वो कह रहे हैं कि हम घुसपैठिए को भी देंगे और सोच कोई भी रखते हैं उनको भी हम देंगे। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस जरूर कमजोर कड़ी है, लेकिन ये सच्चाई भी है कि बीजेपी सांगठनिक धार को जितना भी उन्होंने तेज की है झारखंड में,
सारे नेताओं को टास्क जिस तरह से दिया है, वहां पर अकेले हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने उस चुनौती को स्वीकार किया है। मुझे 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 लगता है एक बात बताना बहुत इम्पोर्टेंट है कि बीजेपी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ती है, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, और उसमें अपना पूरा रिसोर्सेस झोंकती है। पंकज जी, मैं एक सुधार करना चाहूंगा, हेमंत सोरेन बीजेपी को टक्कर नहीं दे रहे हैं। मेरी समझ से हेमंत सोरेन बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं ये कहना शायद सही नहीं होगा, इसलिए कि सत्ता में हेमंत सोरेन है तो बीजेपी उनको घेर रही है और वो ये कर रहे हैं टक्कर। चलिए, बात वही है, ठीक है। तो अब देखते हैं परिणाम 23 तारीख को हम सबके सामने होगा, पर सवाल यह है कि कांग्रेस द्वारा उठाया गया ये सिलेंडर पॉलिटिक्स और साथ में घुसपैठिए को दिए जाने वाले सिलेंडर की बात खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म से करना क्या बैकफायर करता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि 38 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव अभी भी बाकी है। तो बिहार की बात में इतना ही। श्याम किशोर चौबे जी आपका, यशुनाथ जी आपका और मृत्युंजय शर्मा जी आपका और डॉक्टर संजय कुमार आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।